हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई फोर्थ वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स रामसर साइट्स के ऊपर। रामसर साइट्स, अभी ये रामसर साइट्स क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि यूनेस्को के द्वारा 1971 के अंदर एक रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर किया गया था। रामसर कन्वेंशन, ये यूनेस्को के द्वारा एक मीटिंग बिठाई गई थी रामसर सिटी के अंदर जो ईरान के अंदर है, और वहाँ पे रामसर कन्वेंशन पास किया गया था कि जो भी वेटलैंड्स जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है और उनको रामसर साइट्स का नाम दिया जाएगा। राइट, अभी वेटलैंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऐसा कोई भी एरिया कि जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। राइट, कोई भी एरिया, चाहे फिर वो मैंग्रोव क्यों ना हो, चाहे फिर वो लेक क्यों ना हो, पॉन्ड क्यों ना हो। राइट, ऐसा कोई भी एरिया कि जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। और यूनेस्को के द्वारा टोटल 9 क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, और उसमें से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया, अगर कोई वेटलैंड उस एक क्राइटेरिया के अंदर भी फिट होता है तो उस वेटलैंड को रामसर साइट्स बनाया जाएगा। अभी ये 9 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्राइटेरिया 1 है कि इफ़ इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जांपल ऑफ द नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड देन इट कैन बी अ रामसर साइट। अगर कोई वेटलैंड एक यूनिक है जो नेचुरल है या तो फिर नियर टू द नेचुरल वेटलैंड है तो उसको रामसर साइट बनाया जाता है, कि वो जो बाकी वेटलैंड से यूनिक होना चाहिए। राइट, क्राइटेरिया 2 का है कि इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल इनडेंजर्ड और क्रिटिकली इनडेंजर्ड स्पीसीज देन इट कैन बी अ रामसर साइट। राइट, अगर कोई वेटलैंड के अंदर वल्नरेबल इनडेंजर्ड और क्रिटिकली इनडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं तो वो वेटलैंड रामसर साइट बनाया जा सकता है, उसको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि ताकि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके हम उसको प्रोटेक्ट करें। राइट, क्राइटेरिया 3 क्या है, इफ़ इट सपोर्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज इंपोर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द पर्टिकुलर बायोग्राफिक रीजन देन इट वेटलैंड देन दैट वेटलैंड कैन बी अ रामसर साइट। अगर वो वेटलैंड कोई प्लांट की ऐसी पॉपुलेशंस को या तो फिर एनिमल के स्पीसीज की ऐसी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा हो कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको उस वेटलैंड को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए और वो उसको रामसर साइट बनाना चाहिए। क्राइटेरिया 4 क्या है, इफ़ इट सपोर्ट्स अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, कि जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज वो क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, वो एकदम ख़त्म होने को आए हैं, तो उनको वो अगर उन वो स्पीसीज और वो प्लांट को अगर कोई वेटलैंड कैरी करता है, राइट, तो उस वेटलैंड को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट, ओके, क्राइटेरिया 5, इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट द 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, अगर कोई वेटलैंड के अंदर 20,000 या फिर उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स हैं तो उन वेटलैंड को हमको सपोर्ट करना चाहिए, उन वेटलैंड को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको रामसर साइट बनाना चाहिए। राइट, क्राइटेरिया 6, इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ द वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ द वाटर बर्ड, अगर जो वाटर बर्ड है उसके उनके पॉपुलेशन के 1% पॉपुलेशन को अगर वो वेटलैंड कैरी करता है तो उस वेटलैंड को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको रामसर साइट बनाना चाहिए। क्राइटेरिया 7, अगर वो वेटलैंड सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द इंडिजिनियस फिश सब स्पीसीज को कैरी करता है तो उस वेटलैंड को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको रामसर साइट बनाना चाहिए। क्राइटेरिया 8, इफ़ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड फॉर द फिशेज, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी एंड और माइग्रेशन पाथ ऑन विच फिश स्टॉक्स आइदर विथ इन द वेटलैंड और द एल्सवेयर डिपेंड। क्राइटेरिया 8 क्या बोल रहा है कि इफ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द फूड फॉर द फिशेज, अगर वो वेटलैंड के अंदर जो फिशेज है उसके अंदर उनको खाने के लिए वो इंपोर्टेंट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो वेटलैंड, तो उसको रामसर साइट बनाना चाहिए। और क्राइटेरिया 9, इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ द वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ द वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज, जो वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट है और नॉन एवियन जो उड़ नहीं सकते, राइट, वो अगर इस टाइप के एनिमल स्पीसीज के
1% ऑफ द इंडिविजुअल्स को वो सपोर्ट कर रहा है वो वेटलैंड, तो उसको रामसर साइट मिलाना चाहिए। तो ये टोटल 9 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई पर्टिकुलर वेटलैंड उसके अंदर फिट होता है तो उसको रामसर साइट बनाया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 909 क्राइटेरिया फॉलो करता होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी एक क्राइटेरिया के अंदर भी वो फिट होता है तो उसको रामसर साइट बनाया जाता है, राइट। तो अभी ये रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्यों है कि वे इंडिया के द्वारा टोटल 5 नए रामसर साइट्स बनाए गए हैं, राइट। टोटल 49 थे पहले, अभी वो 54 हो गए हैं, राइट। अभी 5 नए रामसर साइट कौन कौन से और वो कौन से लोकेशन पे है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो करिकिली बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु के अंदर है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो तमिलनाडु के अंदर है, पिचावरम मैंग्रोव जो तमिलनाडु के अंदर है, सख्य सागर मध्य प्रदेश के अंदर है, और पला वेटलैंड जो मिजोरम के अंदर है। तो ये टोटल 5 वेटलैंड्स को अभी रामसर साइट बनाया गया है, टोटल 54 रामसर साइट्स इंडिया के अंदर हो गए हैं, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पाँचों पाँच वेटलैंड्स वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो इंडिया के अंदर सुंदरवन जो रामसर साइट है वो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रामसर साइट्स है इंडिया के अंदर। सो सुंदरवन रामसर साइट है वो इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है, राइट, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, राइट। ओके, अभी ये वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है? वेटलैंड की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो दुनिया के अंदर जो जितना भी टोटल एरिया है उसमें से जस्ट 6% एरिया के ऊपर वेटलैंड है, और उसके अलावा इस 6% एरिया के अंदर दुनिया के 40% स्पीसीज़ है। तो ये 40% स्पीसीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए यूनेस्को के द्वारा 1971 के अंदर ये वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने रामसर साइट बनाने का डिसाइड किया गया है, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइसेस बिल। ओके, ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइसेस बिल, उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2022 व्हिच वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये अगर बिल पास होगा, ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइसेस बिल, तो ये रिप्लेस करेगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को, राइट। अभी ये बिल क्यों पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस बिल के द्वारा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो क्लिनिकल ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशंस जो किए जाते हैं मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल डिवाइस नई बनाई है तो वो अच्छी तरीके से काम कर रही है, जो पर्पस से वो बनाई गई है वो पर्पस वो फुलफिल कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स देने पड़ते हैं। और मेडिकल डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्लिनिकल ट्रायल्स भी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ही लेने पड़ते हैं। तो अगर वो क्लिनिकल ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो मेडिकल डिवाइसेस के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान अगर कोई ह्यूमन बीइंग को कुछ योग हो गया, अगर कोई पर्सन को कुछ हो गया, तो क्या कंपेंसेशन उसके जो नॉमिनीज है उसको क्या कंपेंसेशन मिलेगा, उसके बारे में ये बिल के अंदर लिखा गया है। अभी तक ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, राइट। अगर वो कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया तो जो जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो संस्था करवा रही है वो उसको कितनी सज़ा होगी, तो अभी तक ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन इस बिल के अंदर वो प्रावधान को ऐड किया गया है, राइट। दूसरी बात कि ई फार्मासीज के ऊपर अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है, तो ई फार्मासीज के ऊपर रेगुलेशन करने की बात भी इस बिल के अंदर की गई है, राइट। तो ये दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ओके, देखो कि प्रोविजंस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, इट मेक्स अ प्रोविजंस फॉर द कंपेंसेशंस टू द पार्टिसिपेंट्स और देयर लीगल हेड्स फॉर द इंजरी और डेथ सफर्ड इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस फॉर द ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस। अगर ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के इन्वेस्टिगेशंस के दौरान या तो फिर उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान जो पर्सन के ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, अगर वो पर्सन की डेथ हो गई या तो फिर उसको इंजरी हो गई, तो कितना कंपेंसेशन उसके हेड्स को मिलेगा, उनके नॉमिनीज को मिलेगा, यहाँ पे उसके बारे में जिक्र किया गया है इस बिल के अंदर, राइट। अगर वो कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा तो कितना फाइन, कितनी पेनल्टी वो ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि अगर वो कंपेंसेशन नहीं दिया गया तो एक तो 2 गुना कंपेंसेशन उसको पे करना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में, और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, राइट। ओके, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो
कोई भी संस्था, कोई भी मेडिकल डिवाइसेस के क्लिनिकल ट्रायल्स कब कैरी आउट कर सकती है? तो अगर वो संस्था को परमिशन मिले सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास से, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास से अगर उस संस्था को परमिशन मिले कि भाई हाँ आप ये अपने मेडिकल डिवाइसेस की क्लिनिकल ट्रायल्स करवा सकते हो, तभी आप क्लिनिकल ट्रायल्स करवाओगे, तभी आप किसी पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, राइट? ओके। और उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, अभी जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, राइट, कि जो ड्रग्स नए नए जो ड्रग्स हम बनाते हैं तो उसके जो मेडिकल ट्रायल्स, उसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके जो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह मेडिकल डिवाइसेस, अगर कोई नई मेडिकल डिवाइसेस बनती है तो उसके इन्वेस्टिगेशंस, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, राइट? तो अभी ऑलरेडी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, राइट, और उसी तरह मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जाएगा। ओके। अगर मैं ई फार्मेसी के रेगुलेशन की बात करूं, तो अभी ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, तो उसके अंदर ई फार्मेसी के रेगुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट? तो ई फार्मेसी मतलब जो ऑनलाइन फार्मेसी हम जो मंगवाते हैं, वो कोई जगह पे उसका रेगुलेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, राइट? तो यहाँ पे इस बिल के अंदर वो ई फार्मेसी को भी रेगुलेट होना चाहिए, उसको भी रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके बारे में बात की गई है, राइट? क्योंकि अगर फ्रेंड्स, अगर मैं ई फार्मेसी की बात करूँ तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है कि जो एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है और वो दूसरे स्टेट के अंदर एक दवाएँ भिजवाती हैं, और उसके अलावा बिना प्रिस्क्रिप्शन देखे हुए वो कोई बहुत सारी ऑनलाइन फार्मेसी की कंपनी वो मेडिसिंस बेच देती है, राइट? तो ये क्योंकि ई फार्मेसी के ऊपर अभी तक कुछ भी रेगुलेशन नहीं है, तो वो अपने हिसाब से वो लोग काम करते हैं, राइट? ओके। तो वो भी हानिकारक चीज़ है, ठीक है? तो इसके लिए ई फार्मेसी के ऊपर रेगुलेट करना चाहिए, राइट? तो ये बिल के अंदर थोड़ा सा उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। ओके। अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट स्टेटस क्या है मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री का, तो टोटल $11 बिलियन द करंट मार्केट साइज ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट द $11 बिलियन, रिप्रेजेंट्स द सनराइज सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एक उभरता हुआ सेक्टर है, जो $11 बिलियन उसकी स्ट्रेंथ है उसकी, राइट? द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द लार्ज मल्टी नेशनल एज वेल एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, राइट? द मेडिकल डिवाइस सेक्टर हैज ग्रोइंग स्टेडीली एट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15% ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल से ये मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर जो है इंडिया का, वो 15% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के ऊपर वो ग्रो हो रहा है, राइट? और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये मेडिकल डिवाइस सेक्टर कितना उसकी साइज़ हो जाएगी, $50 बिलियन की, जो अभी $11 बिलियन है ना, वो उसकी 2025 तक $50 बिलियन की उसकी साइज़ हो जाएगी, राइट? और गवर्नमेंट ने भी मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर 100% FDI वो ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया है। ऑटोमेटिक रूट मतलब अगर आपको मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर FDI करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 100% FDI इज़ अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द ब्राउन फील्ड एंड द ग्रीन फील्ड स्टार्टअप्स, राइट? तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट कर रहा है, राइट? ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा कि क्यों इस बिल को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, राइट? और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस दैट द नेशनल फ्लैग कैन बी नाउ रिमेन होइस्टेड थ्रू द नाइट। अभी तक क्या था फ्रेंड्स कि नेशनल फ्लैग को आप सनराइज और सनसेट के बीच में ही होइस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता हो तो अभी हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है, क्योंकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त, 75 ईयर हमारे कंप्लीट हो गए, 76 ईयर में हम एंट्री करने के लिए जा रहे हैं, राइट? तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर घर तिरंगा कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, कि गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 20 करोड़ नेशनल फ्लैग वो 20 करोड़ हाउस के ऊपर, उसके टेरेस के ऊपर 20 करोड़ हाउस के ऊपर 20 करोड़ नेशनल फ्लैग ये 13 से 15 अगस्त के दरमियान होइस्ट हो। तो यहाँ पे जो फ्लैग कोड ऑफ द इंडिया, कि जहाँ पे एक नेशनल फ्लैग को क्या क्या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो सभी रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। दो अमेंडमेंट किए गए एक्चुअली, कि नेशनल फ्लैग को अभी आप 24/7
24/7 हुइस्ट कर सकते हो, नाइट को नाइट में भी आप हुइस्ट कर सकते हो। अभी तक क्या था कि सनराइज़ और सनसेट के बीच में हुइस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी आप नाइट को नाइट में भी आप हुइस्ट कर सकते हो। दूसरा क्या चेंज किया गया है कि नेशनल फ्लैग को पहले खादी या कॉटन के कापड़ से ही बनाया जाता था, लेकिन अभी ये 20 करोड़ नेशनल फ्लैग बनाने हैं, तो इसके लिए नेशनल फ्लैग को अभी पॉलिएस्टर से भी आप बना सकते हो, ऐसा प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा नेशनल फ्लैग को पहले हैंडमेड से ही बनाया जाता था, मतलब वो हाथ से ही बनाया जाता था, लेकिन अभी नेशनल फ्लैग को मशीन से भी बनाने की परवानगी दे दी गई है। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर, राइट। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अंदर पहली बार अमेंडमेंट किया गया है, राइट। अगर मैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात करूँ तो वो क्या है फ्रेंड्स, उसके बारे में देखते हैं कि इट अलाउड द अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ द ट्राई कलर एज लॉन्ग एज द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द फ्लैग वेयर बींग रिस्पेक्टेड। कि यहाँ पे ट्राई कलर को आपको ऐसे होइस्ट करना है कि उसका ऑनर और डिग्निटी मेंटेन रहे, तो उसके बारे में यहाँ पे सभी रूल्स लिखे हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर। द फ्लैग कोड डिड नॉट रिप्लेस द प्री एग्जिस्टिंग रूल्स गवर्निंग द करेक्ट डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग, राइट। इट वॉज हाउ एवर एन एफर्ट टू ब्रिंग टूगेदर ऑल द प्रीवियस लॉज कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, राइट। इट इज डिवाइडेड इंटू द 3 पार्ट्स। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्राई कलर, रूल्स ऑन डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग बाय पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रूल्स फॉर द डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग बाय द गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। देखो 3 पार्ट के अंदर उसको डिवाइड किया गया है ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का, कि एक तो जनरल डिस्क्रिप्शन ट्राई कलर को आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट करना है, कि दूसरा रूल क्या है, रूल्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग बाय पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडी उसको किस तरीके से डिस्प्ले कर सकती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको किस तरीके से डिस्प्ले कर सकती है, उसके बारे में रूल्स हैं दूसरे पार्ट के अंदर। तीसरे पार्ट के अंदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज किस तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकती है, उसके बारे में रूल्स है, राइट। तो ये 3 पार्ट के अंदर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को डिवाइड किया गया है, राइट। इट मेंशंस दैट ट्राई कलर कैन नॉट बी यूज फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस एंड कैन नॉट बी डिप इन सैल्यूट टू द एनी पर्सन और थिंग। ट्राई कलर मतलब नेशनल फ्लैग को आप कोई भी पर्सन के रिस्पेक्ट पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए उस ट्राई कलर को उन नेशनल फ्लैग को आप निकाल नहीं सकते, उसको उतार नहीं सकते, राइट। द फ्लैग शुड नॉट बी यूज एज अ फीस्टोन और फॉर एनी काइंड ऑफ द डेकोरेशन पर्पस। ये नेशनल फ्लैग कोई भी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं हर घर तिरंगा कैंपेन की बात करूँ, जो मैंने बात की अभी कि हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो वो कैंपेन क्या है, तो हर घर तिरंगा इज़ अ कैंपेन अंडर द एजिस ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव टू इनकरेज द पीपल टू ब्रिंग द तिरंगा होम एंड टू होइस्ट टू मार्क द 75th ईयर ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट। कि सभी पीपल घर पे तिरंगा लाए और वो सभी एक साथ में वो तिरंगा को अपने घर के ऊपर लगाए और एक यूनिटी और एक नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर जागे, इसके लिए आज़ाद हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया गया है टू सेलिब्रेट द आज़ादी का अमृत महोत्सव, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एक्सपोर्ट स्कीम, उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज 206 करोड़ टू द स्टेट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स अंडर द ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव, टाइज इनिशिएटिव। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये स्कीम क्या है उसके बारे में बात करता हूँ। तो टाइज की अगर मैं बात करूँ तो वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2017 के अंदर अनाउंस की गई थी। उसके पहले 2015 के अंदर यही स्कीम का नाम था असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ये स्कीम 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी और 2017 के अंदर यही स्कीम का नाम चेंज करके ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एक्सपोर्ट स्कीम टाइज रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। ओके, अब ये फाइनेंस सपोर्ट कितना प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द ग्रांट इन एड, नॉर्मली नॉट मोर देन द इक्विटी बीइंग पुट इन बाय द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और 50% ऑफ द टोटल इक्विटी इन द प्रोजेक्ट। कि जो भी एजेंसी जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, वो एजेंसी ने जितना भी
उसके अंदर इन्वेस्ट किया है उसका 50%, उसका मैक्सिमम 50% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोड्यूस द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कौन से टाइप का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर किसी स्टेट को बनाना है, किसी स्टेट को अगर पोर्ट्स बनाने हैं, राइट, लैंड कस्टम स्टेशन बनाने हैं, क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैब्स बनाने हैं, कोल्ड चेन्स बनाने हैं, राइट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बनाने हैं, कार्गो टर्मिनसिस बनाने हैं, तो ये सभी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम कितना प्राइवेट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि जो संस्था इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है उस संस्था ने जितना भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है उसका 50%। अगर ये स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हुआ, हिमालयन स्टेट हुआ या तो फिर इंडियन टेरिटरी हुआ, यहाँ पे 80% ऑफ द जो वो संस्था ने इन्वेस्ट किया उसमें से 80% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? ओके। लेकिन इस स्कीम के अंदर टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स के लिए ये स्कीम नहीं है, राइट, हाईवेज और पावर के लिए भी ये स्कीम नहीं है, राइट, प्रोजेक्ट्स वेर एन ओवरवेलमिंग एक्सपोर्ट लिंकेज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश तो उसके लिए भी ये स्कीम नहीं है, राइट। तो ये तीन चीज़ों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, बाकी सभी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स के लिए अगर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्टेट को वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस सपोर्ट इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर ये स्कीम क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी सभी स्टेट गवर्नमेंट को टोटल मिला के 206 करोड़ रुपया अभी इस स्कीम के अंडर में प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। टोटल अभी तक इस स्कीम के अंडर में 2019-20 से लेकर 2022-23 तक 27 एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट किया गया है इस स्कीम के माध्यम से, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, FDI के बारे में। तो अभी रिसेंटली इंडिया रिसीव द हाइएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ $84,000 million, अराउंड $85,000 million इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ओवरटेकिंग द लास्ट ईयर्स FDI बाय $2.87 billion, राइट। तो लास्ट ईयर का जो FDI था उससे $2.87 billion ज़्यादा FDI इस बार आया है, सबसे हाईएस्ट एनुअल FDI इंडिया के अंदर फाइनेंशियल 2021-22 के अंदर आया है। ऐसा कौन सी संस्था के द्वारा बोला गया है? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UN की एक बहुत ही जानी मानी संस्था UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इंडिया के FDI के ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट किया गया है, और इंडिया ने अभी तक का सबसे ज़्यादा FDI रिसीव किया है वो ये रिपोर्ट दिखा रहा है, राइट। अगर मैं दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज़ की बात करूँ तो इंडिया का जो FDI है वो 7th नंबर पे है, सबसे ज़्यादा 7th नंबर पे हमने सबसे ज़्यादा FDI को रिसीव किया है फाइनेंशियल 2021-22 के अंदर, राइट। अभी ये FDI क्या होता है फ्रेंड्स, देखो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट फॉरेन लोगों के द्वारा कोई भी कंट्री के अंदर किए जाते हैं, एक तो FDI और एक FPI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। FDI क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर कोई प्लांट एस्टैब्लिश करती है, या तो कोई प्लांट नया प्लांट एस्टैब्लिश करती है, या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है इंडिया का उसके अंदर वो जॉइंट वेंचर करती है, या तो फिर उसके अंदर मर्ज होती है कोई कंपनी फॉरेन कंपनी इंडिया के कोई डोमेस्टिक कंपनी के अंदर, राइट, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी होती है ये प्लांट के अंदर जॉइंट वेंचर के अंदर मर्जिंग के अंदर वो फॉरेन कंपनी का रेगुलेशन चलता है, राइट, उनके डिसीजन चलते हैं, राइट। और FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट, FPIs। तो अगर मैं बात करूँ कि कोई भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए FDI अच्छा है कि FPI अच्छा है, तो फ्रेंड्स FDI अच्छा है, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर जैसे ही इकोनॉमी डाउन होगी तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को वापस खींच लेते हैं, राइट। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के अंदर वो इतने जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं खींच सकते, तुरंत वो प्लांट बंद नहीं कर सकते, तुरंत वो अपनी मर्जिंग को वापस नहीं खींच सकते, राइट। तो FDI थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो FDI जितना ज़्यादा कंट्री के अंदर हो उतना अच्छा है, राइट। ओके, अगर मैं बात करूँ इंडिया के स्टेटिस्टिक्स के बारे में कि इंडिया ने जो FDI $85,000 million के आसपास जो रिसीव किया है वो सबसे ज़्यादा FDI कौन से कंट्री से आया है, तो जितना भी FDI आया है उसमें से 27% सिंगापुर से आया है, 18% USA से आया है, अराउंड 16% मॉरीशस से आया है, अराउंड
8% नीदरलैंड से आया है और अराउंड 7.30% स्विट्जरलैंड से आया है, राइट। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा FDI कौन से सेक्टर के अंदर हुआ है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जितना भी FDI हुआ है उसमें से 24.60% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर के अंदर FDI हुआ है। सर्विस सेक्टर के अंदर 12.13% FDI हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 12% के अराउंड, ट्रेडिंग के अंदर 7.72% और कंस्ट्रक्शन के अंदर 55.52%, राइट। अगर मैं बात करूँ कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा FDI हुआ है, तो कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, महाराष्ट्र के अंदर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे दिल्ली है, फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु और फिफ्थ नंबर पे हरियाणा, राइट। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी को FDI करना है इंडिया के अंदर, तो वो दो रूट है इंडिया के अंदर FDI करने के, एक तो ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? इन दिस द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द RBI। ऑटोमेटिक रूट के अंदर FDI क्या होता है, अभी हमने कुछ न्यूज़ पहले हमने पढ़ा कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने 100% FDI को अलाउ किया है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो, राइट। RBI की अप्रूवल भी नहीं चाहिए। इन इंडिया FDI अप टू 100% इज अलाउड इन द नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, नॉट रिक्वायरिंग द सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स का कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन क्रिटिकल सेक्टर के अंदर FDI करते हो, तो आप 100% FDI इंडिया के अंदर कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट के अंदर, राइट। ओके, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल और सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द सेंसिटिव सेक्टर्स। अगर सेंसिटिव सेक्टर्स है सच ऐसा डिफेंस, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, सिविल एविएशन, माइनिंग, तो ये सेंसिटिव सेक्टर के अंदर अगर आपको FDI करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्लियरेंस चाहिए, लेकिन नॉन सेंसिटिव सेक्टर, नॉन क्रिटिकल सेक्टर के अंदर कोई भी क्लियरेंस नहीं चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट रूट की बात करूँ, तो इन दिस फॉरेन एंटिटी हैज़ टू टेक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल एक पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो फैसिलिटेट करता है द सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ द एप्लीकेशंस व्हिच आर थ्रू द अप्रूवल रूट। कि जो गवर्नमेंट रूट के अंदर जो FDI होता है उसको अप्रूवमेंट के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, एक सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। आपको यहाँ इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर देना, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो अब आप यहाँ पे FDI कर सकते हो, राइट। ये पोर्टल किसने बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन फॉर द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा बनाया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है, राइट। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स गिफ्ट सिटी एंड बुलियन एक्सचेंज के ऊपर। कि अभी रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वो गिफ्ट सिटी के अंदर बनाया गया है। गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी, गांधीनगर के अंदर इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो बनाया गया है गिफ्ट सिटी के अंदर, अभी रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है, राइट। अभी ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वॉज द फर्स्ट अनाउंस इन द यूनियन बजट 2020, बजट 2020 के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया गया था फॉर ईजिंग द गोल्ड इम्पोर्ट बाय द ज्वेलर्स इन द इंडिया। जो ज्वेलर्स हैं जो गोल्ड इम्पोर्ट करवाते हैं वो इजीली गोल्ड इम्पोर्ट करवा सके, इसके लिए बजट 2020 के अंदर ही इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का अनाउंसमेंट किया गया था। फ्रेंड्स बुलियन का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज मेटल के जो रो फॉर्म में होते हैं, जो बिस्किट के फॉर्म में, जो बार्स के फॉर्म में होते हैं, उसको बुलियन बोला जाता है, गोल्ड सिल्वर, राइट। तो यहाँ पे ये अभी शुरुआत के अंदर इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अंदर गोल्ड का ट्रेडिंग होगा, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर का ट्रेडिंग होता है ना, राइट, उसी तरीके से गोल्ड का बाइंग और सेलिंग इस इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अंदर होगा, राइट। फिर धीरे धीरे वो एक्सटेंड करके सिल्वर का भी ट्रेडिंग यहाँ पे होगा, राइट। कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट नॉट ओनली एनरोल्स द ज्वेलर्स टू ट्रेड ऑन द एक्सचेंज बट हैज़ ऑल्सो सेट अप द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर द फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर। मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी टू स्टोर द गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे बनाई गई है। तो ये एक्सचेंज के माध्यम से ना सिर्फ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब ज्वेलर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गोल्ड को वो लोग स्टोर भी कर सकते हैं, राइट।
अभी ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट विल इम्पावर द इंडिया टू गेन इट्स राइटफुल प्लेस इन द ग्लोबल बुलियन मार्केट एंड सर्व द ग्लोबल वैल्यू चेन विद द इंटीग्रिटी एंड द क्वालिटी, राइट? तो ग्लोबल बुलियन मार्केट के अंदर इंडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और ग्लोबल वैल्यू चेन भी उसके लिए इंक्रीज होगी, राइट? ओके, अभी मैं अगर गिफ्ट सिटी की बात करूँ तो गिफ्ट सिटी क्या है फ्रेंड्स? तो गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी इज लोकेटेड इन द गांधीनगर गुजरात। इट कंडीशन ऑफ द मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच हाउसेज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर एंड एन एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टेरिफ एरिया DTA, राइट? तो ये एक मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, राइट? गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थित है, राइट? जो इंडिया का पहला IFSC सेंटर है, राइट? और यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अंदर वो ये बुलियन एक्सचेंज जो ज्वेलर्स है वो इजीली गोल्ड इंपोर्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पे कौन से ज्वेलर्स की बात चल रही है उसके बारे में हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्वालिफाइड ज्वेलर्स, ऐसा नहीं कि कोई भी ज्वेलर्स यहाँ पे गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट गोल्ड का ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स है वही यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है। अभी क्वालिफाइड ज्वेलर्स मतलब जो ज्वेलर्स का नेटवर्थ 25 करोड़ से ज़्यादा है, जो ज्वेलर्स का नेटवर्थ 25 करोड़ से ज़्यादा है और जो ज्वेलर का अगर कोई मल्टीपल बिजनेस है तो उसमें से 90% बिजनेस है ना वो प्रीसियस मेटल के अंदर होना चाहिए। तो यही ज्वेलर्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी तक 56 जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अंदर वो रजिस्टर हो चुके हैं। मलाबार जो टाइटन है, राइट, कल्याण ज्वेलर्स है, तो ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स क्वालिफाइड ज्वेलर्स इस इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं, राइट? ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कोर सेक्टर्स के आउटपुट के बारे में। तो ये कोर सेक्टर्स के आउटपुट के बारे में समझने से पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कोर सेक्टर क्या है, कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो मेजर करता है चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वो मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और वो कितने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन को मेजर करता है, 409 ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट्स का वो प्रोडक्शन का मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पे 409 ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट को उसने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक तो ब्रॉड सेक्टर के प्रोडक्ट्स और एक यूज बेस्ड सेक्टर के प्रोडक्ट्स। ब्रॉड सेक्टर के अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसने डिवाइड किया है और यूज बेस्ड सेक्टर के अंदर बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर उसने डिवाइड किया है, राइट? राइट, और ये टोटल 409 ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया की GDP के अंदर 40.27% कंट्रीब्यूशन करते हैं, उस 8 कोर सेक्टर को यहाँ पे कोर सेक्टर बोला गया है। जो 8 कोर सेक्टर है जो इंडिया के GDP के अंदर 40.27% कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कोर सेक्टर को यहाँ पे वेटेज दिया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, उसके बाद कोल, उसके बाद क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस और उसके बाद सीमेंट, और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर्स। देखो ये टोटल 409 ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट्स में से ये 8 ऐसे ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं कि जो इंडिया के GDP के अंदर 40.27% कंट्रीब्यूशन करते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज है और सबसे कम फर्टिलाइजर्स का है, राइट? और ये 8 कोर सेक्टर के प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डेटा दिया गया है कि वो 12% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कंपेरेटिवली अगर मैं जून 2021 के बात करूँ तो जून 2022 में 12.7% 8 कोर सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट मिला है, और अगर मैं मई की बात करूँ तो मई 2021 से मई 2022 के अंदर 18.1% प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था, राइट? लेकिन ये 8 कोर सेक्टर में से जो क्रूड ऑयल का जो सेक्टर है उसके प्रोडक्शन में डिक्लाइन मिला है, बाकी के सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट मिला है, राइट? तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कोर सेक्टर्स क्या होता है,
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन को मेज़र करता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्रोडक्शन को मेज़र करता है, और उसमें से 8 मेन सेक्टर्स है कि जो 40.27% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के अंदर, तो उन सेक्टर्स के आउटपुट का यहाँ पे बात किया गया है। ओके हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में। गूगल स्ट्रीट व्यू जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 की वजह से गूगल स्ट्रीट व्यू इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली गूगल स्ट्रीट व्यू एक फीचर है जो गूगल के द्वारा अनाउंस किया गया था 2007 के अंदर, तो अभी 15 साल के बाद वो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स ये 15 साल के बाद इंडिया के अंदर आया है, लेकिन 2007 के अंदर जब गूगल ने ये लॉन्च किया तब गूगल 2011 में उसको लेके इंडिया में आया था बेंगलुरु के अंदर, लेकिन तब इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना बोल दिया था तब, क्योंकि तब नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी नहीं थी ना इसके लिए, राइट। अभी ये न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे गूगल के द्वारा एक व्हीकल, गूगल का एक व्हीकल जिसके ऊपर एक कैमरा माउंटेड है, वो ये व्हीकल जिसके ऊपर एक कैमरा माउंट किया गया है, वो व्हीकल कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर घूमता रहता है और इमेजेस कैप्चर करता रहता है, राइट। फिर ये सभी इमेजेस को गूगल के द्वारा कंबाइन किया जाता है और एक स्ट्रीट व्यू यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रीट व्यू बनता है कि अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप वो स्ट्रीट के ऊपर खड़े हो। एक छोटी छोटी सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस कैमरा के द्वारा इमेजेस कैप्चर किए गए होते हैं। तो ये एक्चुअली गूगल स्ट्रीट व्यू 2007 के अंदर ही गूगल के द्वारा अनाउंस किए गए थे। और यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई पर्सन को जो एक स्टेट में रहता है और उसको दूसरे स्टेट के कोई जगह पे उसको इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, कोई घर लेना है, कोई अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है, तो वो यहाँ पे घर पे बैठे बैठे ये गूगल स्ट्रीट व्यू के माध्यम से उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक अंदाज़ा लगा सकता है कि वो कहाँ, वो एरिया कैसा है, वो लोकेलिटी कहाँ कैसी है वहाँ पे, तो ये सब उसको अंदाज़ा मिल सकता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव था गूगल का और उसने ये फीचर लॉन्च किया था, राइट। तो एक्चुअली इंडिया का कंसर्न वो था उस टाइम कि हम कोई फॉरेन कंपनी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं करने दे सकते, क्योंकि यहाँ पे गूगल की व्हीकल, गूगल का कैमरा, गूगल ये इमेजेस को खुद से कैप्चर करके फिर वो अपलोड करके एक स्ट्रीट व्यू बनाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, राइट, वो लीक होने की संभावना है। तो उस टाइम इंडिया ने ना बोल दिया था, लेकिन इंडिया ने लास्ट ईयर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 लॉन्च की। और इस पॉलिसी के अंदर क्या लिखा गया है फ्रेंड्स कि लोकल कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो डेटा कैप्चर कर सकता है, मतलब इमेजेस कैप्चर कर सकता है, और वो लीज पे दे सकता है उस इमेजेस को फॉरेन कंपनीज़ को। तो यहाँ पे ये मैं जो बात कर रहा था ना कि व्हीकल पहले गूगल का चल रहा था इंडिया के अंदर 2011 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे व्हीकल इंडियन कंपनी का चलेगा, इंडियन कंपनी इमेजेस को कैप्चर करेगी पर्टिकुलर स्ट्रीट के, और इस इमेजेस को कंबाइन करके गूगल उसको स्ट्रीट व्यू के अंदर अपलोड करेगा। अभी यहाँ पे इंडियन कंपनीज जो सेंसिटिव इमेजेस हो गए उसको यहाँ पे वो गूगल को नहीं भेजेगी, लेकिन जो सेंसिटिव नहीं हो गए वही गूगल को भेजेगी, राइट। तो एक यहाँ पे ये जो फॉरेन कंपनीज वाला जो मुद्दा था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया कि नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी के अंदर एक जो इंडियन कंपनी से उसको अलाउ कर दिया गया है कि आप इमेजेस को कैप्चर करो और उसमें से फिर उस इमेजेस को लीज के ऊपर दो गूगल को, मतलब फॉरेन कंपनीज को, मतलब यहाँ पे गूगल को देने की बात चल रही है, राइट। तो इसके लिए अभी गूगल स्ट्रीट व्यू इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होने जा रहा है। 10 सिटीज़ के अंदर अभी स्टार्टिंग में ट्राइब जिसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, फिर बाद में धीरे धीरे हर जगह पे यूज़ होगा। और यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट प्रीमाइसिस है और जो सेंसिटिव एरियाज है लाइक डिफेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे गूगल स्ट्रीट व्यू अपलोड नहीं होगा। ओके, तो ये पूरी न्यूज़ है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। रिसेंटली SBI शेयर द डेटा रिपोर्टिंग दैट डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव क्रॉस द 10,000 crore मार्क। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आपने बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, बॉन्ड्स क्या होता है कि बॉन्ड्स
जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट पब्लिक के पास से पैसा रेज करना चाहती है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए तो वो बॉन्ड इशू करती है, अगर वो 1 साल से कम समय के लिए पैसा रेज करना चाहती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, राइट। तो यहाँ पे उस बॉन्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस बॉन्ड के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इस बॉन्ड के अंदर आप डोनेशन कर रहे हो, और किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। 2018 के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ये सिस्टम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कौन इश्यू करता है फ्रेंड्स? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स SBI हर एक क्वार्टर के शुरुआत के 10 दिन के अंदर इश्यू करता है, मतलब फॉर एग्जांपल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये जो क्वार्टर्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है उसका जो शुरुआत का महीना है जनवरी, उसके शुरुआत के 1 से 10 दिन के अंदर बॉन्ड्स इश्यू होंगे, अप्रैल के 1 से 10 दिन के अंदर बॉन्ड इश्यू होंगे, जुलाई के 1 से 10 तारीख के बीच में बॉन्ड इश्यू होंगे, और अक्टूबर के 1 से 10 तारीख के बीच में बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं। कहाँ से? SBI के द्वारा, राइट। अभी ये मेकेनिज्म क्या है उसके बारे में समझते हैं कि अगर कोई पर्सन को कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है तो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले SBI के अंदर जाना पड़ेगा। SBI के अंदर उसको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उस अकाउंट के अंदर वो 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ये इतने रुपए के डिनोमिनेशन के अंदर कोई भी नंबर वो डिपॉजिट करवा सकता है। 1,000 के डिनोमिनेशन के अंदर 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 के डिनोमिनेशन के अंदर 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख के डिनोमिनेशन के अंदर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख के डिनोमिनेशन के अंदर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ के डिनोमिनेशन के अंदर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, मतलब इतने पैसे के डिनोमिनेशन के अंदर वो कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकता है, SBI की इस अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने 20,000 डिपॉजिट किए, राइट, SBI के अंदर, तो SBI क्या करेगी, वो 20,000 का एक बॉन्ड इश्यू करके देगी, उस 20,000 के बदले में एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड इश्यू करके देगी उस पर्सन को। यहाँ पे जब पर्सन SBI के अंदर अकाउंट खुलवाता है तो पर्सन की सभी डिटेल SBI के पास होगी, लेकिन ये जो बॉन्ड इसने इशू किया है SBI ने वो 20,000 के बदले में, उस बॉन्ड के ऊपर वो कितने रुपए का बॉन्ड है वो इतना ही लिखा होगा, वो किसने इशू करवाया, किसके नाम के ऊपर वो बॉन्ड है, वो किसको देना चाहता है, वो कोई भी डिटेल नहीं लिखी होगी फ्रेंड्स, राइट। फिर ये बॉन्ड जो SBI के द्वारा इशू किया गया है वो बॉन्ड को लेके वो पर्सन कहाँ पे जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी को उसको डोनेट करना है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, राइट। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये बॉन्ड लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया वो पर्सन के पास से, वो पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड का जो कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा ना, तो वो कैश में कन्वर्ट जब SBI के द्वारा ये बॉन्ड इशू किया गया था उस डेट से वो 15 दिन के अंदर ही उसको कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो ये बॉन्ड इनवैलिड कहलाया जाएगा, ये पैसा ना तो वो पर्सन के अकाउंट में वापस आएगा, ना तो वो पॉलिटिकल पार्टी इश्यू कर पाएगी, राइट, ये पैसा डायरेक्टली RBI के अकाउंट में जाएगा, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ओके, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा मेकेनिज्म है, ओके। 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, तो अभी ये रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि इस मेकेनिज्म के द्वारा गवर्नमेंट ने अभी तक, पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा रेज कर लिया है, ओके। अभी आप यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो इसके बारे में मैं बताऊँ तो, कि आप जो पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एंड जिसने लास्ट इलेक्शन के अंदर 1% से ज़्यादा वोट को सिक्योर किया है, उसी पॉलिटिकल पार्टी को आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस बार कोई नई पार्टी आई तो आप उसको डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करवाओगे, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके।
यहाँ पे एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2018 के अंदर लाया गया था, तब उसका एक मेन मोटिव था कि ट्रांसपेरेंसी आए, कि इलेक्शन फंडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, वो इसका एक मेन मोटिव था। लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पे संभव नहीं हो पाया है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि बॉन्ड के ऊपर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता कि वो पर्सन के आइडेंटिटी को दिखाए, राइट, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये बॉन्ड इश्यू कौन करता है, SBI, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये SBI अपना डेटा जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको दे सकती है, राइट। तो ये रूलिंग गवर्नमेंट को पता से चल सकता है कि भाई कौन से लोगों ने अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट किया है, राइट। अभी ये छोटे मोटे डोनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन जो पार्टी, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है, वो करोड़ों के अंदर डोनेशन करती है गवर्नमेंट जो ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कोई अपोजिशन पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी को पता चल जाएगा कि भाई इसने इसको सपोर्ट किया है, तो फिर वो रूलिंग पार्टी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कुछ वो एक्शन तो नहीं ले सकती, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट करवा देगी। जो पहले रिलायंस जो पहले जितनी लिबरल तरीके से काम कर सकती थी, वो इतनी लिबरल तरीके से काम नहीं कर सकती, राइट। तो ये सभी के अंदर डर रहता है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर रूलिंग पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एज मिल जाता है रूलिंग पार्टी को, और डिप्राइव रह जाते हैं जो अपोजिशन पार्टी है, राइट, वो फंडिंग से। तो ये जो मेन मकसद था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की अभी बात चल रही है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की जो RBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है 2021 से, ये उसका सेकेंड एडिशन है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, सभी को इंक्लूड करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज सभी लोगों तक पहुँचना, राइट। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है, राइट, जुलाई के अंदर RBI हर साल इसको लॉन्च करती है, ठीक है। और जो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर इंडिया का स्कोर लास्ट ईयर 53.9 था 100 में से, और इस बार 56.4 आया है। यहाँ पे टोटल RBI के द्वारा 97 इंडिकेटर्स को मेज़र किया जाता है, और उसके जो तीन मेन कैटेगरी है, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वालिटी है। तो ये तीन मेन फैक्टर के ऊपर RBI के द्वारा 97 इंडिकेटर्स को मेज़र किया जाता है, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया जाता है कि फाइनेंस सर्विस का एक्सेस लोगों तक कितना पहुंच रहा है, लोग उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी की कैसी है फाइनेंस सर्विसेज की। तो यहाँ पे ये तीन मेन चीज़ों को ध्यान में रख के ये इंडेक्स बनाया जाता है, और ये इंडेक्स के अंदर एक्सेस का वेटेज है 35%, यूसेज का वेटेज है 45%, और क्वालिटी का वेटेज है 20%, राइट। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर जो RBI तीन चीज़ मेन कैटेगरी को ध्यान में रखती है, उसका पर्टिकुलर वेटेज कितना कितना है इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में, ओके। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूँ तो कौन से टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे बात चल रही है, तो बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, एज वेल एज द पेंशन सेक्टर। अगर आपको पता हो तो फ्रेंड्स कि इंडिया के अंदर टोटल 2% लोगों के पास ही लाइफ इंश्योरेंस है, और 6% लोगों के पास ही जनरल इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बहुत ही कम है। अगर मैं पेंशन सेक्टर की बात करूँ तो पेंशन इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको ही पेंशन मिलता है, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनके पेंशन के लिए कोई भी प्रावधान, कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो ये पेंशन के पेनिट्रेशन भी इंडिया के अंदर बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूँ ये फाइनेंस सर्विस के अंदर, तो सबसे अच्छा हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है वो बैंकिंग सर्विसेज के अंदर किया है। बैंकिंग की जो ब्रांच है वो हर एक गाँव गाँव तक अभी पहुँच गई है, बैंक और पोस्टल ऑफिस, राइट। तो
तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग और पोस्टल सर्विस बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर के अंदर अभी भी हमको बहुत सारा काम करना है, राइट। यहाँ पे आरबीआई के द्वारा इंडिया को 0 से लेके 100 तक का एक स्कोर दिया जाता है। अगर 0 रिप्रेजेंट करता है कम्प्लीटली फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और 100 रिप्रेजेंट करता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेकिन इंडिया का स्कोर लास्ट ईयर 53 के आसपास था, इस बार 54 के आसपास है। जैसे मैंने बात किया, एक्सेस का वेटेज 35%, यूसेज का वेटेज 45% और क्वालिटी का वेटेज कितना होता है इस इंडेक्स के अंदर, 20%, राइट। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्यों लॉन्च किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो वो लेवल ऑफ द इंक्लूजन को मेज़र करने के लिए, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को मेज़र करने के लिए, राइट। फिर रिसर्चर्स को फैसिलिटेशन देने के लिए कि उन लोगों को एक आइडिया आता है कि भाई हमको क्या करना है अभी आगे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो यही इंडेक्स को इम्प्लीमेंट करने का यही आरबीआई का मेन मोटिव होता है, ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।